हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे चावल की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप जो चावल थे इन्हें भिगा दिया है। रेगुलर यूज़ वाले चावल लिए हैं मैंने, इन्हें 3 से 4 घंटे मैंने भिगा करके ले लिया है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगा करके ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हमें डालना है यहाँ पे सबसे पहले दही। तो 1/4 कप के बराबर मैं यहाँ पे दही डालूंगी और 1/4 कप के बराबर ही सूजी डालूंगी। तो ये यहाँ पे डालना थोड़ा ज़रूरी है, इससे जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। फ्रेश दही यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों की क्वांटिटी बराबर लेनी है, यदि खट्टा दही है तो कम लें। सबसे पहले हमें इन दोनों को पीस करके निकाल लेना है एक बाउल में। यहाँ पे देखिए, इसे मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया है, दही को और सूजी को। यदि पानी की ज़रूरत लगती है तो आप डाल लीजिए, पर पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अब सेम जार में मैं थोड़े थोड़े चावल डाल लूँगी और चावल को भी हमें एकदम फाइन पीस करके ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े चावल ले लिए हैं, आधा आधा करके 2 बार में हम इन्हें पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ज़रूरत लगेगी तो और पानी डाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से पूरे चावल भी मैंने पीस लिए हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। एकदम परफेक्टली हो गया है। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर जार में डाल करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। तो जो सूजी है वो फूल जाती है, इसीलिए थोड़ा ये और थिक हो जाता है। इस तरीके से हो गया है। अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। तो मैं 1 छोटा चम्मच इतना नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए नमक। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम इसे। कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके की हो गई है इसकी। अच्छी तरह मैंने इसे एक बार फिर से मिक्स कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ये मिक्स होकर के रेडी हो गया है। कवर करके हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आप आधे से 1 घंटे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हो चुकी है 20 मिनट पूरी। देखिए ये और थिक हो गया है। इसे हल्का सा एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी इसकी दिखा दूं कि इस तरीके से हम चम्मच को उल्टा करते हैं तो उस पर एक लेयर बनती है पतली सी। देखिए इस तरीके की लेयर होनी चाहिए, थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सब्जी ले ली है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ते, गाजर और हरी मिर्चें। तो 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है मैंने यहीं पर। टमाटर ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का, 1 बड़े साइज़ की गाजर ले ली है, 4-5 कड़ी पत्ते कट करके ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके ले ली हैं। सारी सब्जियों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ली हैं, क्योंकि सब्जियाँ हम जितनी ज़्यादा खाएं इस तरीके से अपने लिए जो है बहुत ही हेल्दी होती हैं। 1 बड़ा चम्मच जितना धनिया पत्ता डाल दिया है फ्रेश मैंने। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से एक बार का मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने इसे भी मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमारा बैटर बन करके रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, लगभग 1 छोटा चम्मच जितनी। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप करें। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने डाल दी है, जिससे कि फ्लेवर आ जाएगा और कलर चेंज नहीं होगा इसका। पर यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच से भी कम, सिर्फ 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा डालना है। और इसे तुरंत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, एक ही साइड में घुमाते हुए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ 20 से 30 सेकेंड तक हमें इसे मिक्स करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और यदि आपके पास बेकिंग सोडा यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे इनो पाउडर 1/2 छोटा चम्मच डाल सकते हैं। तो एकदम रेडी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है, जिससे कि इसमें कम ऑयल लगेगा। सबसे पहले 1 छोटा चम्मच इतना तेल डाल दिया है, इसे फैला लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। तो आप छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना भर करके डाल दिया है इस चम्मच के नाप से, और इसे इस तरीके से फैला लिया है, एक सर्कल का शेप दे दिया है। आप छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं। और अब हमें इसी साइड इसी तरीके से इसे 2 से 3 मिनट छोड़ देना है, जब तक ये ऊपर से हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। इसकी छेड़ नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे, और दूसरी साइड भी हमें इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। और हल्का हल्का सा हम दबा लेंगे इसे, ताकि सब्जियां भी जो है अच्छी तरीके से कुक होती रहे। तो इस तरीके से
मैंने इसे पका लिया है। ज़्यादा तेल मैंने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो दोनों साइड थोड़ा ज़्यादा तेल डालकर भी पका सकते हैं। देखिए दूसरे साइड से भी कितना बढ़िया सिक गया है, पर इसे मैं और भी क्रिस्पी करना चाहती हूँ। तो ध्यान रखें 6 से 7 मिनट एक पैनकेक को, एक चीले को यहाँ पे सिकने में लगेंगे, तो इसे आराम से सेकना है। ये देखिए सिक करके एकदम रेडी हो गया है। इसी तरीके से दूसरा चीला भी हम बना करके रेडी करेंगे। आप 2 तवे रख लीजिए दोनों गैस पे और जल्दी जल्दी इन्हें बना लीजिए, नहीं तो जितना देर हो जाएगी ये उतने ही कम फूलेंगे, कम फ्लफी बनेंगे। तो सेम इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरा पैनकेक भी यहाँ पे डाल दिया है और इसे भी सेक लिया है। हम पहले इसे नीचे साइड 2 मिनट रखेंगे, 2-3 मिनट, फिर दूसरे साइड भी 2-3 मिनट रखेंगे, फिर ऑयल डाल के अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारे बन करके रेडी हो गए हैं पैनकेक। देखिए बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, बहुत ही कम तेल में बन करके रेडी हो गए। आप हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ इन्हें सर्व कीजिए। मैं आपको एक तोड़ करके दिखा देती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर।